और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इंडोनेशिया में होने वाली G20 समिट में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव वर्चुअली बैठक में शामिल होंगे। हालांकि इंडोनेशिया में रूसी एम्बेसी के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल यूलिया ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन भी वर्चुअली माध्यम से शामिल हो सके। पुतिन ने बाली जाकर G20 में शामिल नहीं होने का फैसला ऐसे समय लिया है जब रूसी सेना यूक्रेन के साथ ही जंग में पिछड़ी दिखाई दे रही है। क्रेमलिन भी पश्चिमी देशों की निंदा से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। दरअसल G20 समिट में भारत, अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। ये देश शुरुआत से ही जंग के विरोध में रहे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में 9 महीनों से लगातार जंग जारी है। इससे लेकर रूस की निंदा होने की भी संभावना है। इसी को लेकर शायद पुतिन बैठक में शामिल नहीं होना चाहते।